हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर्स आशीष। और अब हम चल रहे हैं अलवर से भानगढ़ को। अलवर सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम चलेंगे अलवर से भानगढ़ को, जो कि हम सुबह ही निकल चुके थे। और द रोड वॉज सो ड्रेडफुल और स्केरी। इतनी ख़राब रोड मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। माय कार गॉट ह्यूज सस्पेंशन प्रॉब्लम। तो आप ज़रा ध्यान से आए अगर इस रूट पर आते हैं, अगर आप अलवर से आते हैं तो। जयपुर से फिर भी इट्स समहाउ सेफर, बट मैं ये बोलूँगा कि इस रोड पे कोई भी मैकेनिक और बाकी चीज़ें नहीं है, बिकॉज ये गाँव से होता हुआ और बहुत ही जंगलों से जाता हुआ एक एरिया है। सो कीप वॉचिंग विद अस आर नेक्स्ट पार्ट एंड बी देयर। तो थोड़ा सा हिली रीजन भी है यहाँ पे, जो क्रॉस करके आपको भानगढ़ जाना पड़ेगा। रोड बहुत ख़राब है, ये जो शॉर्टकट है शायद आई थिंक शॉर्टकट भी नहीं है, पर हमें ऐसे दिखाया गूगल ने, एंड वी गॉट गूगल्ड बाय गूगल। तो ये रास्ता थोड़ा सा बहुत ख़राब है एंड हिली टेरेन है बीच में। आई थिंक ये पैच होगा 10-15 किलोमीटर का, एंड देन विल सी क्या होता है। देख सकते हैं रास्ता पूरा ही मिट्टी वगैरह, ट्रक ही ट्रक हैं यहाँ पे। आई कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स। बहुत डिफिकल्ट जज है जज करना आगे क्या है बिकॉज ऑफ दिस मिट्टी एंड ऑल। तो हम एक बीच में गाँव में आए, अभी 20-30 किलोमीटर रह गए एंड रास्ता बहुत ही ख़राब था। आगे कह रहे हैं अच्छा होगा रास्ता। तो 30 किलोमीटर टू भानगढ़ राइट नाउ। इन बिटवीन वी आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक एंड देन वील मूव ऑन टू दिस। इसको कहते हैं तालाब गाँव, तालाब गाँव है। सो हम किसी विलेज तालाब गाँव से थोड़ा आगे आए हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक फोर्ट दिखा है छोटा सा, वहाँ जा नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं टहला, टहला गाँव है ये। इस पे ये है भानगढ़, यहाँ से 28 किलोमीटर है। नारायणी माता मंदिर भी है एक, और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे सामने से गोगल बुफेलोस एक्सट्रीम एडवेंचर फॉर बॉयज, एक्सट्रीम एडवेंचर। और ये अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऊपर को फोर्ट है, लेट मी गेस द नेम, एक मंदिर भी है, मंदिर भी है, आई कैन गेट द नेम। कार भी आ गई है, खाना नहीं खाया फिर भी आ गई। ये फोर्ट तो मेरा तो नहीं है, मार्केट आ गया। तो गाइस वी हैव अराइव्ड एट भानगढ़ फोर्ट। उससे शायद उधर पीछे दिख रहा है मुझे भानगढ़ फोर्ट, और यहाँ से शायद एक दो चीज़ और है। तो ये शायद पूरा एक्सप्लोर करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा एंड इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स टू एक्सप्लोर। राइड एट भानगढ़, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल है, 50 रुपये की पार्किंग का चार्ज लगेगा। आई थिंक यहाँ पर रोकते हैं, लेट्स सी कीप मूविंग। I'll show you the Bhangad Fort. The horror. Gate for the Bhangad Fort, जहाँ से आपकी टिकट वगैरह रहेगी, 50 रुपये आपके पार्किंग की चार्ज होगी। एंड यहाँ से जो मैं 1 किलोमीटर अंदर जाके विल फाइंड द फोर्ट। तो मतलब फोर्ट की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, बट द मेन फोर्ट स्टार्ट अराउंड 1 किलोमीटर लेटर। अराउंड 1 बज रहे हैं, मैं एंटर कर गई 3 बजे तक हमें एनी हाउ वापस आना है। एंड द हनुमान टेम्पल, द वेरी पॉपुलर हनुमान टेम्पल, पूजा चल रही है। जय हनुमान जी। लेट्स गो टू द टिकट काउंटर। एंड द टिकट लेट्स सी इज 25 रुपये की है शायद, या 20 रुपीज़। 25 रुपये की टिकट मिली है हमें। ये एंट्री गेट है, 2 टाइम चेकिंग हुई है, और यहाँ से टिकट उनको दिया लो बस। तो टिकट दे दिया है हमने, 2 जगह चेकिंग हो गई है। यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है भानगढ़ फोर्ट के लिए, नहीं नहीं। सो हम स्प्रिंट करने वाले हैं वहाँ तक। आर यू रेडी फॉर अ स्प्रिंट? बैग मेरे को दे दे, स्प्रिंट मारते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बोल 1 किलोमीटर है बस। स्प्रिंट 1 किलोमीटर तुम में से कोई नहीं मार पाएगा। अबे स्प्रिंट मतलब तेज भागेंगे, बात कर रहा कभी मुझे पकड़ेंगे। भागो स्प्रिंट, वो एक टिला है ऊपर और लॉट्स ऑफ मंकी, पूरा रियून में, रियून में है ये पूरा का पूरा फोर्ट। पहले कितना बड़ा फोर्ट हुआ करता होगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड स्टोरीज की किसी ने कर्ज दिया था एंड ऑल, उस पर है ये सब।
बहुत लोग जा रहे हैं, इट्स नॉट एम्प्टी। थोड़ा सा आप लोग अगर आएँ तो अपनी गाड़ी से ही आएँ, अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू विजिट, बिकॉज ये लोग भी लोकल हैं जो आ रखे हैं। ये गाड़ी नहीं भैया, एंड 1 किलोमीटर वॉक बोला है उन्होंने। एंड दिस इज द रूम्स ऑफ भानगढ़ फोर्ट। Money guys are there. And ye rasta jata hai. Let's start with the first story of Bhangal Fort. So Raja Madho Singh ne एक बाबा बालानाथ थे, उनसे परमिशन लेके उन्होंने बनवाया था ये फोर्ट। और पर बालानाथ की एक कंडीशन थी कि उनके फोर्ट की जो परछाई है वो कभी भी उनके घर पे नहीं पड़नी चाहिए, उनके प्लेस पे नहीं पड़नी चाहिए। बट आफ्टर एक दो ससेसर थे जो उनके आगे आए, उनके 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 पास जो आए, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई उसकी वजह से आगे उस पर क्या कहते हैं वो बालानाथ की फोर्ट के बालानाथ के घर के ऊपर उसकी परछाई चले गई, जिससे कि लेटर ऑन दे दैट वेंट इनटू अ कर्स, एंड जिसकी वजह से आज भानगढ़ ऐसा है। सी राइट द रूम्स ऑफ भानगढ़ लाइक दैट। According to many paranormal experts, it has been the one of the most haunted place in India. और बहुत ही ज़्यादा haunted है, even लोग यहाँ पर शाम को नहीं आते हैं 5-6 के बाद, so even the local people. Running through the jungle, चल तो लोकल लोगों के लिए यहाँ से लकड़ी वगैरह या अपनी भेड़ बकरी चराने के लिए आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने आंटी लोग लकड़ी और घास फूस ला रहे हैं अपने लिए। लोकल लकड़ी लेने के लिए ऊपर जाते हैं क्या? नहीं बेटा, ट्रेल ले लिया कहीं जाने के लिए। फोर्ट राइट हैंड साइड पे, आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो शायद एक मंदिर है पुराना। लेट्स सी। 1 2 3 We found one strange tree, as you can see, ये दो ट्री हैं आपस में जुड़े हुए हैं अजीब तरीके से, which was a little scary for us. So we kept moving and exploring the place. Dun, 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 dun. Finally, I show you few glimpses of Bhangad Fort. As you can see, वो रहा सामने। Guys, a beautiful Bhangad. My two niggas. And this is Kesara Devi Mandir. If you can see, yeah, this Kesara Devi Mandir है. And then काली, तो हमें कालू मिल गया है। ये है मंगला देवी मंदिर जो राइट हैंड साइड पे जाके मिलेगा। चल आगे, कुत्ता भौंक रहा मेरे ऊपर। लेट्स मूव ऑन। यहाँ से भानगढ़ का रास्ता है, वहाँ से वैसे रास्ता मेन, हम थोड़ा सा इस तरफ से आए थे टेम्पल के लिए। और भाई तेरा नाम क्या है? सोनू भाई है यहाँ पे, सोनू निकम केयर टेकर है यहाँ के। भानगढ़ इनके अंडर ही चल रहा है आजकल। सो हम तीनों का क्रू देखिए बॉयज, एंड चलते हुए अपनी नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ, दैट इज भानगढ़ फोर्ट। बहुत ही ध्यान से जाना पड़ेगा, यहाँ बहुत कांटे वगैरह। एंड नाउ आई विल शो यू द ब्यूटीफुल भानगढ़। सामने है
लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। स्टेबल नहीं बन रही है। वी आर वेरी क्लोज टू भानगढ़ फोर्ट और आप देख सकते हैं यहीं से टेरेन थोड़ा चेंज हो गया है एंड इट इज़ क्वाइट यू नो लोनली है। कुछ जानवर वगैरह आने का भी खतरा रहता है पूरे टाइम। ऊपर नहीं जा रहे वहीं चल रहे हैं। क्या राणा जी ये चक्की चला पाएंगे? हमारे पूर्व चलाते थे राजस्थान में। इज इट मूवेबल? दोनों चलाना। One experience you can have in Bhangad Fort. So let's move on to the Bhangad Fort now. तो मेरे लड़के यहाँ पे खतरनाक ही रास्ता चूज करा है इन्होंने। नॉर्मल तो जाते ही नहीं है। और ये दांत, ओ माय गॉड, ये हिरन विरन के दांत हैं। यहाँ पे बाघ तेंदुए वगैरह होते हैं। थोड़ा सा हाइक हो जाता हम लोग ने। हम दो तीन लोग जाते हुए और यहाँ पे पंचायत हो रही है बंदरों की। वो लोग सोच रहे हैं क्या किया जाए। डेली इतने इंसान देख के थक गए हैं और वो कह रहे हैं आजकल भूत का असर भी नहीं चल रहा है लोगों पे। सो इसलिए दे आर ट्राइंग समथिंग एल्स। और सब मंकी फुल पंचायत बैठी हुई लक्ष्मणी का कमिंग फ्रॉम देयर जाते हुए। एंड ये है सामने मंदिर सरसरा देवी का। सरसरा देवी तो ये है गोपीनाथ मंदिर दैट इज इनसाइड मैं लेट कर रहा हूँ। तुम एक्सप्लोर कर रहे हो ठीक है करो, मना कर रहा हूँ एक्सप्लोर करने के। एक्सप्लोरेशन में तू ही लेट होगा। गोपीनाथ मंदिर इनसाइड भानगढ़ फोर्ट फॉर लॉन ऑफ भानगढ़ फोर्ट। रात के लिए क्लोज होता है बिकॉज यहाँ पे जानवर वगैरह का खतरा है। पैसे वैसे गाइज वी आर एट भानगढ़ फोर्ट नाउ एंड बैक इन साइड पर दिखाएंगे थोड़ा सा। ये हमारे पीछे भानगढ़ फोर्ट है एंड 1 किलोमीटर लगा है आने में एंड बहुत सारे मंदिर हैं इसके अंदर भी। 3 मंदिर हैं इसके अंदर जिसको पहला मंदिर हम पीछे से खड़े हैं दिखाते हैं। मूव इट। ये बहुत ब्यूटीफुल लॉन है। घुमाए पीछे की तरफ दिखाते हैं एंड जो मंदिर है ये गोपीनाथ मंदिर है हमारे पीछे अभी दिख जाएगा आपको थोड़ा नीचे को। So this is the Gopinath Mandir and let's go and explore that Bhangarh Fort now. So at last few glimpses of the Bhangarh Fort जो कि बाहर से है। ये पूरा का पूरा एरिया वैसे Bhangarh Fort के अंदर आता है but the main fort is this. This is the main gate. और यहाँ से एंट्री के लिए गेट है थोड़ा घूमता हुआ। पूरा का पूरा जो किला है वो पुराना हो चुका है एंड बहुत ही जर्जर हालत में है। और पूरा जो गांव भी थे इनकी भी ईंटें पत्थरे सब धीरे धीरे यू नो टूट रही हैं। मेन गेट ऑफ भानगढ़ फोर्ट एंट्री गेट। देयर इज अ लॉट टू गो। इज दैट की रत्नावती जो बहुत ब्यूटीफुल थी उनका किसी तांत्रिक के साथ लड़ाई वगैरह हुई बिकॉज समवन ट्राइड टू बिविच हर लाइक दैट। तो उस तांत्रिक ने इस पूरे जगह पे अपना
कर्स लगा दिया जिसकी वजह से आज ऐसा है। वी आर मूविंग थ्रू। द भानगढ़ फोर्ट गोइस। सूरज अभी मुंह पे मेरे नाम ऑन द टॉप ऑफ भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अगर आप टॉप से देखेंगे तो यू विल गेट अ वेरी नाइस व्यू और बहुत ही अच्छा आपके पिक्चर्स एंड वीडियोज लेने के लिए। एंड नाउ वी विल हेड बैक टू आर कार क्योंकि वी हैव विजिटेड द होल कैंपस द भानगढ़ फोर्ट एंड द लॉन एरिया। But might be at night. There are some paranormal activities. Right now, though, we can just sit and enjoy. थोड़ी बहुत मार्बल की इस जगह थोड़ी बहुत बहुत के रेंज दिख रहे हैं। पूरी तरह से तबाही हो रखा है। There is nothing to be saved or like that. We are on the top of Bhanagarh Fort. You can see pura lawn hai us taraf ko mandir and all. And ye raha mere piche Bhanagarh ke ruins. So we'll keep moving. Yahan se main aur right ko jana jahan se view aur center mein hai aur acha hai. Abhi suraj ke paas ho to maybe saaf dikho na. But shayad main tumhe kuch dikha sakta. यही टॉप है, इसके बाद फोर्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद पीछे सिर्फ जंगल है, नथिंग एल्स। आपको और टॉप व्यू लेना तो आप वहाँ ऊपर तक जा सकते हैं। ट्रैक होगा अराउंड आधा किलोमीटर का ट्रैक है। इट्स ऑल ऑन योर स्पीड एंड ऑल, पर एक दो घंटा चाहिए यहाँ पे आपको रुकने के लिए। पूरे व्यू में कुछ बचा नहीं है। Pro Pranchu Ra here and we are on the top of Bhanagarh Fort. उसमें ले रहा हूँ लॉ लैंडस्केप टाइप में। एक चप्पल ऊपर। ब्यूटीफुल भानगढ़ फोर्ट इन द रूम्स वो चीज़ मिल जाएंगी। बहुत अंदर जाके है ये भानगढ़ फोर्ट। अराउंड एक किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। आई शो यू कहाँ से सो बेटर मैं सजेस्ट करूँ कैसे आना है। आप वहाँ से अंदर आएँ, राइट साइड पे वो मंदिर देख के फिर वहाँ से रास्ता लें ये वाले गेट का। इस वाले गेट से अंदर आके पहला ये मंदिर एंड गोइंग थ्रू देर। ये दिख रहा है आपको यहाँ से ना जाके ये यहाँ से ऊपर आ जाएं सीधा। और ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ ब्यूटी बची नहीं इस जगह की। इट इज़ टोटली रूम। वी आर एंडिंग द अलवर सीरीज हेयर और ये था लास्ट एपिसोड द भानगढ़। और अब हम चलते हैं वापस अपनी कार के लिए एंड देन वहाँ से जयपुर, जयपुर से घर। लगा हमें अराउंड इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ है नहीं बट इट इज़ ब्यूटिफुल। या हम ज़्यादा होप्स लेकर आए थे कि पता नहीं क्या गुफाएं होंगी कैसा होगा।
That didn't happen with us. Ranchi boy and Manega Rana. Rana to mask leke baitha hua. Bhaiya no corona now.